नागरिकता संशोधन विधेयक, अगर अंग्रेजी में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि फिलहाल आप इसको #CAB के नाम से सोशल मीडिया साइटों पे जान रहे होंगे। तो इसको लेके जो बड़ी खबर है वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति ने भी आज मंजूरी दे दिया है और फाइनली यह जो बिल था अब ये कानून बन चुका है, जो कि भारत के कई राज्यों में लागू होगा और कई राज्यों में लागू नहीं होगा। तो इसी को लेके फिलहाल भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, यहाँ पे असमंजस की स्थिति है। तो क्या कुछ खबर में है ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जो है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक से असम की राजनीतिक, भाषा या भूमि से जुड़े अधिकारों का कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा बार बार भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। वो बार बार कह रहे हैं क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य के जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इनर लाइन परमिट से बंधे हुए हैं और साथ ही उन्हें बार बार छठी अनुसूची का हवाला दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इन राज्यों के जो लोग हैं वहाँ क्यों चिंतित है, आखिर उनको इस कानून में क्या समस्या है। तो सबसे पहले अगर हम असम की बात करते हैं तो आपको बता दें कि असम में 3 स्वायत्त जिले हैं जिन्हें छोड़ के बाकी पूरे राज्यों में नया कानून लागू हो सकता है। स्थानीय लोगों को यह आशंका है कि नए कानून से कामकाज और रोजगार पर असर पड़ेगा, वहीं यहाँ की आबादी जो है वो अल्पसंख्यक भी माने जा सकते हैं। तो इस तरह से जो समस्या है वो असम में है, वहीं मेघालय के लोग जो मान रहे हैं, मेघालय में आपको बता दें कि मेघालय में भी 3 स्वायत्त जिले परिषद है लेकिन तकरीबन पूरे राज्य इसके दायरे में है। राजधानी शिलोंग के कुछ हिस्सों पे जो नया कानून आया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो ये लागू हो सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 1 स्वायत्त जिला है लेकिन राज्य का 70% जो क्षेत्र है ये नए कानून के तहत आ सकता है। शेष 30% जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पे 2/3 आबादी निवास करती है, वहाँ भी नई कानून लागू हो सकता है। वहीं मिजोरम में 3 स्वायत्त जिले परिषद है लेकिन पूरे राज्य इनर लाइन परमिट से सुरक्षित है, इसे संविधान के 6 अनुसूची में रखा गया है, ऐसे में यहाँ कानून लागू नहीं हो सकता। अब एक बार आप 6 अनुसूची के जो विशेष अधिकार है उसको भी समझ लीजिए। पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में संविधान के 6 अनुसूची में रखा गया था, इन इलाकों को विशेष अधिकार प्राप्त है। इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद है, इन परिषदों को अपने इलाके में कोई कानून लागू करने या ना करने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे में नया कानून अगर वहाँ के जो स्वायत्त जिले हैं उनको पसंद नहीं आता है तो ना भी कह सकते और लागू कर भी सकते हैं। तो इसी तरह से लेके कई सारे असमंजस की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों में आ गई है और लगातार वहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस बिल का। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं, ट्विटर से लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि उनकी जो विशेष अधिकार है उस पर कोई हनन नहीं होगा, पूरे राज्य में इनर परमिट लॉ जो है 6 अनुसूची जो है उससे प्रोटेक्टेड किया जाएगा। अब क्या कुछ नया राजनीतिक हल होता है ये तो आगे वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।